हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2019 के जो भी जुलाई सत्र के एडमिशन है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। जो अभ्यर्थी इस वर्ष अभी जुलाई सत्र में प्रवेश लेने वाले हैं वो कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ भी इसको हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और पास में बने इस घंटे के चिन्ह पर भी आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि जैसे ही आपको यहां पर अपडेट दी जाती है नोटिफिकेशन माध्यम से आपके मोबाइल में अपडेट आपको मिल जाती है और आप सबसे पहले वीडियो को देखकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ओपन कोटा की जितने भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ आज की न्यूज आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन 5 तक। यहाँ पर आगे की तरफ बता दूँ आपको, लिखा हुआ है वर्धमान महावीर खुराना विश्वविद्यालय VMOU में जुलाई सत्र 2019 में संचालित सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू हो चुका है और एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन है। हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस बार जो हार्ड कॉपी है वो आपको विश्वविद्यालय में जमा कराने के लिए नहीं जाना है। विद्यालयों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भी ई मित्र स्थित है। तो प्रवेश के बाद पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। नए पाठ्यक्रम की अंतिम तारीख 5 अगस्त रखी गई है। तो जुलाई सत्र है उसका दोस्तों अंतिम तारीख है वो 5 अगस्त है और विद्यालय परिसर में ही ई मित्र की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई है। तो आप यहाँ पर अपडेट अब देख सकते हो। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा और कोटा ओपन की प्रत्येक अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय।